एक प्रकार से हमारे अनेक महानुभाव ये बात बार बार कहते हैं कि भाई सदन चर्चा के लिए होना चाहिए, संवाद के लिए होना चाहिए, विचार विमर्श के लिए होना चाहिए, तीखे से तीखे स्वर में विवाद हो, कोई उससे नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन आवश्यक है कि रुकावटों के बजाय हम संवाद का रास्ता चुनें। मैं आज, हो सकता है मैं जिनका उल्लेख कर रहा हूं इसके सिवाय भी लोग होंगे, लेकिन मैं दो दलों का आज मैं उल्लेख करना चाहूंगा, एक एनसीपी और दूसरा बीजेडी। इन दोनों दलों की विशेषता देखिए, उन्होंने खुद ने डिसिप्लिन तय किया है कि हम वेल में नहीं जाएंगे, और मैं देख रहा हूं एक बार भी उन्होंने एक भी सदस्य ने नियम को तोड़ा नहीं है। हम सभी राजनीतिक दलों को सीखना होगा, इंक्लूडिंग माय पार्टी। महाराष्ट्राला आज बीजेपीची अपरिपक्वता दिसून आली। ह्या पद्धतीने मारामारीपर्यंत येणं हे बीजेपीला शोभा देतं? केंद्रात सरकार तेही मारामारच करायला लावते देशभर, राज्यामध्ये विरोधी पक्षात तरी अंगावरच येत आहे। ही संस्कृती आहे काय महाराष्ट्राची? इथे तर जणू काय उद्याच युद्धाची समाप्ती होणार आहे। आता नारायण अस्त्राचा वापर करून सगळ्यांचा नाश करून टाका अशा प्रकारची मानसिकताच दिसायला लागली। आज महाराष्ट्राची मान शर्मेने खाली गेली।